दोस्तों मेवात के मशहूर पहलवान नासिर भाई पहुंचे घाट मी का जुनैद और नासिर के घर पर। क्या कुछ कहा था वहां जाकर नासिर ने आपके लिए बताएंगे इस वीडियो में, आप बने रहिए लास्ट तक। दोस्तों आपको पता है नासिर और जुनैद के हत्यारों को अभी तक पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार नहीं किया है। तकरीबन 1.5 महीने से ज्यादा दिन हो गया है धरना को चलते चलते, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। आपके लिए बताएंगे मेवात के मशहूर नासिर पहलवान ने क्या कहा है घाटमी का जाकर पुलिस प्रशासन और सरकार से। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। लेकिन दोस्तों जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मासूम बच्चों की तस्वीरें जो आपको नजर आ रही हैं, यही हैं वो जुनैद के बच्चे जिनको अभी तक सरकार ने इंसाफ नहीं दिया है। हाल ही में नासिर पहलवान ने मेसी ट्रैक्टर जीता है कुश्ती में। आपके लिए बता दें घाटमी का पहुंचे नासिर पहलवान ने क्या कहा है। नासिर पहलवान ने वहां दर्द जताया है, मुझे भी दुख हुआ इस घटना को सुनकर। नासिर पहलवान ने यह भी सरकार को याद दिलाया, जब कन्हैया लाल की हत्या हुई थी तो मुजरिमों को 2 दिन के अंदर पुलिस प्रशासन ने अरेस्ट कर लिया, लेकिन नासिर और जुनैद के हत्यारों को अभी तक अरेस्ट नहीं किया है। नासिर पहलवान ने यह भी कहा, मेरी सरकार से और पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि जुनैद और नासिर के हत्यारों को जल्द से गिरफ्तार कर उनको कड़ी से कड़ी सजा दें। तो दोस्तों आप क्या कमेंट करते हैं घाटमी का कांड को लेकर नासिर और जुनैद के लिए, जरूर अपनी राय।